हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके एक महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तर प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपके चैप्टर नंबर 11 का ऐसा एकमात्र क्वेश्चन है कि इस एक क्वेश्चन पर आपका पूरा चैप्टर बेस है। अगर इस एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते हैं तो चैप्टर का 70% सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना कहीं पे स्किप किए हुए इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पर, ठीक है, ये जो आप लांग में देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन से ही कई कई छोटे टॉपिक जो है उठा के जो है सार टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बहुविकल्पीय में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस एक टॉपिक से आपके कई सारे टॉपिक तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपका एक विस्तृत उत्तरीय तैयार हो रहा, उसके बाद इसी में से लघु उत्तरीय भी बनता है और बहुविकल्पीय भी बनता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण। तो अगर बेसिकली देखा जाए, ठीक है, तो दृष्टि दोष जो है मेन रूप से दो टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन उसी में तीसरा एक और जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहले सबसे ज्यादा मेन है दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है, पहले इनको बारी बारी से समझेंगे, और उससे पहले समझेंगे दृष्टि दोष होता क्या है। तो जैसे अगर हम चैप्टर का नाम है मानोनेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो सारी चीजें मानोनेत्र से रिलेटेड है। तो अगर हम मानोनेत्र की बात करें तो इस तरीके से मान लीजिए हमारा कोई मानोनेत्र है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक, अरे यार चलो कोई बात नहीं, जैसे भी बन गया है, ठीक है, आप लोग स्केल लेके वो गोला प्रकार लेके बढ़िया से बनाओ, अब सही बना है। तो यहां पे जो है आगे थोड़ा सा सिरा क्या होता है, उभरा हुआ होता है ना, ऐसे यहां पे क्या होता है, लेंस होता है, यहां पे क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जो कि मांसपेशियों द्वारा बना हुआ होता है। तो दृष्टि दोष में होता क्या है, अगर हम दृष्टि दोष की बात करें, दृष्टि दोष में होता क्या है कि नेत्र के सामने मान लीजिए यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्थित है, ये ओ लिखा यानी कि वस्तु, ठीक है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बन रहा है तब तो सब कुछ ठीक ठाक है, यानी वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है। वस्तु हमें क्या होती है, साफ साफ दिखाई देती है। अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर पीछे बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये जो लेंस आपको दिख रही है, लेंस जो है वस्तु की स्थिति, कैसे, वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्थिति के अकॉर्डिंग इसकी फोकस दूरी कम या ज्यादा हो जाती अपने आप, ठीक है। जैसे आप देखो कभी भी बुक को अगर आप जैसे जैसे पास ले आओगे तो आपकी आंखें धीरे धीरे देखिए ऐसे बड़ी होने लगेगी, होती है कि नहीं होती है, करके देख लो, अभी करके देख लो, जैसे जैसे चीजों को आप पास ले आओगे आंखें क्या होती, बड़ी हो, यानी इसकी फोकस दूरी, ये बड़े होने का मतलब है इसकी फोकस दूरी घटने लगती, फोकस दूरी क्या होती, घटने लगती, ठीक है। और जैसे जैसे चीजों को दूर देखो, जब आप आकाश में देखते हैं या काफी दूर स्थित वस्तु को देखते हैं तो आंखें जो है आपकी लगभग सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो यानी सिकुड़ने का मतलब ये लेंस जो है आपका पतला हो जाता है, ये लेंस क्या होता है आपका पतला हो जाता है, ठीक है, तो यानी वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग ये लेंस हमारा क्या होता है अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन समय बीतने, एज के साथ साथ, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये इसके फोकस दूरी जो अपने आप जो है एडजस्ट कर लेता था, इसके फोकस दूरी का एडजस्ट करने में दिक्कत आने लगती है, यानी ये वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, यानी ये समायोजित नहीं कर पाता, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब या तो रेटिना से पहले बन जाएगा या तो रेटिना से दूर बनता, ठीक है, क्लियर। तो क्या डेफिनेशन हुई दृष्टि दोष की, कि मानव नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, जब हमारे रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर या रेटिना से पहले बनने लगता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है, और इस घटना को या इस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ये बेसिकली मेनली टू टाइप की होती है, पहले जो है हमारी दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, पहला दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और दूसरा जो है वो है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है।
तो दृष्टि दोष आप क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की, कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है, ठीक है। अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें तो हालांकि आप लोग नाम पे मत जाना, नाम पे कैसे जाना है यह मत समझ लेना कि यहाँ पे लिखा हुआ दूर दृष्टि दोष तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नाम तो दूर है लेकिन वस्तु जो है पास में होगी, क्या होगी, आंख के बिल्कुल पास में, ठीक है। मान लेते ये कोई हमारा वस्तु है, यानी कि ऑब्जेक्ट, जिसे ओ से डिनोट करते हैं, ठीक। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। जब मानव नेत्र के समीप स्थित या पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो ऐसी कंडीशन में या इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि मानव नेत्र के समीप स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है। कहाँ बनता है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु आपकी स्थित है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ से मान लो ये प्रकाश किरण गई, ठीक है, अब ये इसका प्रतिबिंब यहां रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे रेटिना से दूर बनता है, ठीक है, यहां कहीं पर बनता, ठीक है, रेटिना से दूर बनता है, ये हो गई आपकी रेटिना, तो रेटिना से दूर बनता है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो नाम पड़ा है ना, ये प्रतिबिंब के बनने के अकॉर्डिंग पड़ा है। यहाँ पे प्रतिबिंब देखो रेटिना से दूर बन रहा है तो नाम पड़ गया दूर दृष्टि दोष। अगर यही प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले बन जाता तो नाम पड़ता क्या, निकट दृष्टि दोष, या ठीक है। चलिए, ये तो हो गई दृष्टि दोष की बात, अब इसका निवारण कैसे करें, इसको दूर कैसे किया जा सके, निवारण, ठीक है। तो इसका निवारण जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, एक उचित फोकस दूरी का, एक उचित फोकस दूरी का हम दूसरा लेंस लगाते हैं, ठीक है, उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है। आंख के सामने क्या होते हैं, चश्मे में हम क्या करते हैं, एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाते हैं। अब ये उत्तल लेंस क्या करेगा, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा, रेटिना के बाहर बन रहा था, अब ये क्या करेगा, कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कि सीधे सीधे रेटिना पर बनेगा, ठीक है। तो इसका निवारण कैसे किया जा सकता, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा के, ये आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया, अब इसको मिटाते हैं, बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, निकट दृष्टि दोष क्या है। चलिए अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष देखिए, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर स्थित वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती। इसका मुख्य कारण यह है कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बिल्कुल पास बन जाता है, ठीक है, जिससे हमें वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो ये हमारा क्या है, एक मानव नेत्र है, ठीक है। हालांकि पहले तो यार हमसे सही सही फिगर बन जाता था, इस समय काफ़ी दिन हो गया है ना, आप लोगों को पढ़ाया नहीं, गोला वोला बनाया नहीं, चलिए बन गया, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक उभरा हुआ भाग होता है जहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, नेत्र का लेंस होता है, ठीक है, ये इस तरीके से एक उभरा हुआ भाग होता है जहाँ पर हमारा नेत्र लेंस होता है, क्या होता है, नेत्र लेंस, ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा, नेत्र लेंस होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे दूर स्थित कोई वस्तु है, और दूर स्थित वस्तु क्या होती है, हमेशा दूर से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती हैं। तो ये दूर से मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो अब ये जो प्रकाश किरण आ रही है, यानी यहाँ पे जो वस्तु आपकी स्थित है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हो गई आपकी रेटिना, ठीक है, जैसे मान लो ये हो गई आपकी रेटिना, तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और अगर इसके हम निवारण की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल। ठीक है, हाँ ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि अवतल लेंस लगाने से ये दृष्टि दोष दूर कैसे होता। अभी पिछले वाले दूर दृष्टि दोष में मैंने बात किया था, यहाँ पे उत्तल लेंस लगाया था, वहां पे जो है मैं बताना भूल गया था। तो चलिए आप लोग यहीं पे देख लीजिए, जब हम इसके सामने क्या करते हैं, आंख के सामने एक अवतल लेंस लगाते हैं, तो ये क्या करता है, जो यहाँ पे वस्तु स्थित है, इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं, इस लेंस से पड़ती हैं, ठीक है। और ये लेंस क्या करता है, इस तरीके से प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, इस तरीके से प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है। अब ये प्रकाश किरणें क्या होगी, आगे तो फैल गई, तो आगे तो मिलने से रही नहीं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इनको अगर हम इस तरीके से पीछे मिलाएं डाट डाट करके, तो इनको इससे पीछे मिलाएं, तो ये यहां पे एक दूसरे से मिलती, यानी जो वस्तु मानव नेत्र के लिए यहां पर स्थित था, वही लेंस लगाने पर, अवतल लेंस लगाने पर यही वस्तु अब कहां आ गई, दूर थी लेकिन अब कहां आ गई, पास में आ गई। और जैसा कि मैंने बताया है कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती, अब ये वस्तु इसके लिए, इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगी, इस लेंस के लिए ये क्या करेगी, वस्तु का कार्य करेगी। अब दूर से पास आ गई, वो पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें क्या होती है, साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है। चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, चलो ठीक। इसी तरीके से उत्तल लेंस में क्या होता था, यहां निकट स्थित वस्तु थी तो वो साफ नहीं दिखती थी, लेकिन उत्तल लेंस उसको क्या करती थी, इस वस्तु को दूर पहुंचा देती थी या इसका प्रतिबिंब दूर बना देती थी, फिर ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता था, तब जाके प्रतिबिंब रेटिना पर बनता था और वस्तु हमें क्या होती थी, साफ साफ दिखाई देती थी, ठीक है। तो दोनों दृष्टि से समझ गए आप, निवारण समझ गए, निवारण लिख लीजिए, निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा के किया जाता है, अवतल लेंस लगाकर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों का अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ है, तब उसको हम क्या नाम देंगे या किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। एक नया नाम है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो चलिए अब दृष्टि दोष पढ़ ही रहे हैं तो इसी सीक्वेंस में इसको भी समझ लिया जाए कि जरा दृष्टि दोष क्या चीज है, ठीक है। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ज्यादातर यही सारी चीजें, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन चलो मान लो अगर कभी कभी पूछ लिया तो क्या करोगे। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं। जब किसी व्यक्ति के आंख में, जब किसी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को
दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? भाई दोस्तों हमने समझ लिया निवारण कैसे किया जाएगा। और ये दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष ज्यादातर बुजुर्ग व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्तियों के आंख में होता है। ठीक है, बूढ़े व्यक्तियों के आंख में ही जरा दृष्टि दोष देखने को मिलता है। नॉर्मल एज मतलब अभी ऐसे तो बहुत सारे हम लोगों के एज के बच्चे भी जो है चश्मे लगाते हैं, हम लोगों से लोअर एज के बच्चे भी चश्मे लगाते हैं, तो उनके आंखों में भी जो है दृष्टि दोष होती है। तो लेकिन उनके आंखों में दृष्टि दोष केवल दो ही टाइप की होती है, या तो निकट होती है या तो पास। लेकिन अगर जरा दृष्टि दोष दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ होते हैं तो केवल बुजुर्ग व्यक्ति यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्तियों के आंखों में ये वाले दृष्टि दोष पाए जाते हैं। और इसमें आप देखे भी होंगे कि जो बूढ़े व्यक्तियों के चश्मे होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए इस तरीके का उनका कोई चश्मा है। ये भाई यार मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है ना, तो चश्मा उश्मा तो मैं सही से बना नहीं पाता। चलिए हो गया, ठीक है, ये अगर उनका चश्मा है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे इसी में एक और ऐसे, ठीक है, ऐसे और एक लेंस लगा होता है। ठीक है, ऐसे एक और लेंस लगा होता है, यानी अगर दूर देखना हो तो वो यहां से काम करते हैं, निकट देखना होता है तो यहां से काम करते हैं। यानी इनके आंख में इनके चश्मे में दोनों टाइप के लेंस लगे होते हैं, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का अवतल और उत्तल लेंस एक साथ लगाकर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों टाइप के लगे होते हैं, दूर देखने के लिए यहां इससे काम करेंगे, ठीक है, और निकट देखने के लिए इससे काम करेंगे। ये वाला उत्तल लेंस होता है और ये वाला अवतल लेंस होता है, तो इस प्रकार से इनका निवारण करते हैं। ठीक है, तो बात एकदम से क्लियर हो गई, आप लोग डरिए नहीं। जरा दृष्टि दोष जो है हमेशा केवल और ज्यादातर बूढ़े, ऐसा अभी केसेस नहीं मिला है कि यंग लड़कों को जरा दृष्टि दोष हो जाए, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ खैर चलिए कोई बात नहीं, चश्मा तो है ही है ना, आजकल तो चश्मे लगाना लोगों को पसंद भी तो आता है, बहुत कॉमन चीज हो गया है ना। चलिए ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कभी डिस्कस कर दिया जाएगा लघु उत्तरीय में। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, हालांकि श्वेत प्रकाश को, ठीक है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वो अपने सातों रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इनका जो क्रम होता है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि विविग्योर। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में ये होते हैं। ठीक है, तो यही वर्ण विक्षेपण, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो ये जो है हम लघु उत्तरीय में डिस्कस कर देंगे आपका वर्ण विक्षेपण। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।